नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। मायावती ने नए कानून को लेकर के साफ तौर पर कहा, निशाना साधा, जिसको लेकर के कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो लगातार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। इस बीच बीएसपी सुप्रीमो ने लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पर निशाना साधा, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संशोधित कानून को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। मायावती ने नए कानून में मुस्लिम समाज की उपेक्षा बताया। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले से बीएसपी सहमत नहीं है। नागरिकता कानून में मुस्लिम समाज की पूरे तौर से, खासकर मुस्लिम समाज की पूरे तौर से उपेक्षा की गई है, जिससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। जिसकी खास वजह से ही, अर्थात इसे पूरे तौर से विभाजनकारी व असंवैधानिक मानकर ही फिर हमारी पार्टी ने भी इसके हमारी पार्टी ने भी इनके इस बिल के विरोध में अपना बोल लिया है। केंद्र सरकार पाकिस्तान में वहाँ हिंदुओं के साथ की गई जुल्म जाति का, जो बिल्कुल भी उचित नहीं था, तो उसका बदला अब ये सरकार यहाँ अपने भारत देश के मुसलमानों से लेना चाहती है, जो कतई भी न्याय संगत नहीं है तथा ये एक प्रकार से मानवता के विरुद्ध भी है।